तो अगर आप सभी लोग खोज रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वाला एक अच्छा खासा माइक्रोवेव ओवन, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पांच सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिंग टॉप रेटेड अच्छे क्वालिटी वाले माइक्रोवेव ओवन जो कि आप लोग परचेस कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिस्ट तैयार करी है, इन मैंने सारे प्रोडक्ट्स के कस्टमर रिव्यूज़ को देखा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी है, उसकी पावर रेटिंग देखी है, उसके अंदर आपको वो दिखने में कैसा है, उसके अंदर आपको वारंटी मिल रही है नहीं मिल रही है, और सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज को फोकस करके ये मैंने लिस्ट तैयार करी है ताकि आप सभी को ना अच्छा वाला प्रोडक्ट मिले और फेक प्रोडक्ट आप लोग नहीं ले। और मैं यहाँ पे जितने भी आपको माइक्रोवेव ओवन दिखाने वाला हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स की जो एफिलिएट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर्टिकुलरली उस मॉडल का आपको डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है। अगर आपको रिव्यूज पढ़ने जाते हैं और अगर प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो आप डेफिनेटली उस लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका बाइंग गाइड आपके बारे में बताऊंगा कि अगर आप एक माइक्रोवेव ओवन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से ऑपरेट करता है, इन सारी चीज का सब आपका जो भी क्वेश्चन होगा या जो भी जानकारी ये मैंने वीडियो के लास्ट में दी है। सबसे पहले आप अभी लोग ये टॉप 5 बेस्ट सेलिंग टॉप रेटेड अच्छे क्वालिटी वाले माइक्रोवेव ओवन का ये छोटा सा रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में और भी आपको जानकारी दूंगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो 5th नंबर में आप सभी लोग को माइक्रोवेव ओवन जो रेकमेंड करूंगा, ये सबसे सस्ता, अगर आपको बजट सबसे कम है, काफी लो बजट, तो आप ये कोरियो कंपनी बाय बिग बाजार का ले सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 25 लीटर की है, काफ़ी अच्छा है और ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और जो इसका पावर आउटपुट आपको 900 वॉट का मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, सस्ते दाम में आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो डिज़ाइन भी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर 11 फ्लेक्सीबल पावर लेवल है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, इसको काफ़ी सारे लोगों रेकमेंड किया। और इसके अंदर आपको 101 ऑटो कुक मेनू मिला, मतलब 101 तरीके से इसमें आप लोग खाना बना सकते हैं। इसका जो फीचर्स है ये भी बहुत ज़्यादा, चाइल्ड लॉक इसमें मिलता है आपको, डिफ्रॉस्ट फंक्शन मिलता है, काफ़ी इजी टू ऑपरेट, जो नॉब के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं सारा कुछ, बहुत ही अच्छा है, इजी टू क्लीन है। इसके अंदर की बॉडी भी स्टेनलेस स्टील वाली है और इसका जो ट्रे है आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप पिज़्ज़ा वगैरह को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसका बजट काफ़ी लो है, आप लोग डेफिनेटली, मैंने लिंक दिया है, आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको माइक्रोवेव चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं। जो 4th नंबर का मैं आप सभी लोगों को माइक्रोवेव ओवन रेकमेंड करूँगा, ये है LG का 28 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पर 28 लीटर है, जो कि एक बड़े फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर 3 साल की आपको वारंटी मिलती है और 151 ऑटो कुक मेनू है, 151 तरीके से आप इसमें खाना बना सकते हैं। और इसकी जो, इसमें कोई नॉब नहीं है, ये बेसिकली टच कीपैड दिया है, और इसके अंदर आप घी वगैरह मात्र 12 मिनट में बना सकते हैं, और इसमें अंदर पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, और जो उसके अंदर की जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील के, ताकि रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से मिले और एक यूनिफॉर्म हीटिंग भी डेवलप हो और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें कुक वगैरह कर पाएँ। इसके अंदर आपको स्टार्टअप किट नहीं मिलता है, लेकिन आप इसको बाहर में परचेस कर सकते हैं, और काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप इसकी वारंटी आपने देख ही ली कि कितने ज़्यादा वारंटी है। और इसके अंदर आप ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग, कुकिंग, बेकिंग, लबस सारी चीज़ें आप इसमें बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। और कैपेसिटी भी देखिए, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक अच्छे बजट में ये आपको बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट देखने में मिल जाएगा। जो 3rd नंबर का प्रोडक्ट है, ये अमेजन बेसिक्स का प्रोडक्ट है, जिसमें 30 लीटर की आपको कैपेसिटी मिलती है, ये भी आपको 4 से 6 मेंबर की अगर आपकी फैमिली है तो बेस्ट है। इसके अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है और इसके अंदर आपको 65 तरीके से ऑटो कुक मेनू मिलता है। इसमें ऑटो कुक मेनू थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर आपको वारंटी अच्छी मिल रही है और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा दाम में आपको मिल जाएगा। इसका जो LED पैनल है वो पूरे तरह से LED है, और इसके अंदर टाइमर फंक्शनैलिटी हो गया, ऑटो डिफ्रॉस्ट फंक्शन हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। और इसके अंदर टच पैड नहीं है, इसमें बेसिकली नॉब के थ्रू आपको टेम्परेचर यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। आप यहाँ पे इसकी इंटीरियर डिज़ाइन देखें, इंटीरियर में आप बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जैसे पूरा बॉडी है, इसके अंदर काफ़ी इजी टू क्लीन है और बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको देखना है, इसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है। जो 2nd नंबर का है वो मोस्ट पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग इसको परचेस किए हैं, जो कि सैमसंग का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जिसके अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 28 लीटर की है, जो कि एक बड़े फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। इसकी जो सिरामिक कैविटी है, इसकी आपको वारंटी 10 इयर्स की मिलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लंबा आपको टाइम मिलता है, और ये बेसिकली टच कीपैड पे काम करता है, उसके अंदर चाइल्ड लॉक फीचर है और स्लिम
जिसके थ्रू आप जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह है उसको काफ़ी अच्छे तरह से इसमें बना सकते हैं और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फ्राई होकर आपको ये मिल जाएगा। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें, तंदूरी वगैरह बहुत अच्छी बनती है क्योंकि तंदूर टेक्नोलॉजी भी है, इसके अंदर दही भी बनता है जो, और बहुत सारी ये इंडियन रेसिपीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज है और इसके अंदर काफ़ी सारे आपको इंडियन रेसिपीज़ के भी मेन्यू मिल जाएंगे और इसके अंदर काफ़ी बहुत आसान तरह से ये ब्रेड को जो ख़राब स्मेल है उसको भी रिमूव करता है, मतलब बहुत अल्टीमेट है। आप लोग इसका रिव्यूज़ देखोगे ना तो सीरियसली बोलोगे ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन फर्स्ट समग्र जो प्रोडक्ट मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, जिसका नाम है एलजी का 32 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 32 लीटर की है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और लार्ज फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है और इसके अंदर आपको स्टार्टर किट भी आता है और सबसे एडवांस बात क्या है, इसके अंदर 211 इंडियन ऑटो कुक मेनू, 211 टाइप के आप इसमें अंदर खाना बना सकते हैं और इसके अंदर भी आप लोग ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग, कुकिंग वगैरह कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टी कुक तावा भी है। स्पेशलिटी क्या बात है, इसके अंदर आप 12 तरह की रोटी भी बना सकते हैं, जैसे तंदूर हो गया और जितने भी वैरायटी की रोटी आती है आप सब कुछ इसके अंदर बना सकते हैं, मतलब आप डालिए और आपका बन के निकल जाएगा, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में ही काफ़ी टेस्टी काफ़ी स्वादिष्ट खाना यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अंदर 360 डिग्री रोटेशन होता है और जो खाना आप डालते हैं 360 डिग्री रोटेट होता है और एक इवन कुकिंग यहाँ पे मिलती है और आप इसका डिज़ाइनिंग देखिए, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लुक भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और इसका जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप सभी को लेना है, आपको थोड़ा बजट एक्स्ट्रा है, तो आप डेफिनेटली ये वाला माइक्रोवेव ओवन रेकमेंड कर सकते हैं। कैसा लगा आप सभी को ये टॉप 5 बेस्ट रेटेड अच्छे क्वालिटी वाले जो मैंने माइक्रोवेव ओवन आप सभी को सजेस्ट किए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और इन सारे प्रोडक्ट्स की जो एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ इनके बातें बताना चाहता हूँ, एक तरफ से बाइंग गाइड अगर आप सोच रहे हैं खरीदने का तो आप कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला ध्यान आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टोटली आपको 3 टाइप के आपको ये माइक्रोवेव ओवन आते हैं, एक जिसको कहते हैं सोलो और एक को कहते हैं ग्रिल और एक को कहते हैं कन्वेक्शन। तो जो बेसिकली जो सोलो वाला होता है माइक्रोवेव वो एकदम एंट्री लेवल वाला होता है और उसके अंदर सिंपली आप लोग हीटिंग वाले फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। और जो सेकंड नंबर का माइक्रोवेव होता है वो होता है ग्रिल टाइप, जिसके अंदर आपको हीटिंग के साथ आपको ग्रिल वगैरह करने के भी फंक्शनलिटी मिलता है। और जो थर्ड नंबर का होता है जिसका नाम जिसको कहते हैं कन्वेक्शन टाइप माइक्रोवेव, इसके अंदर आप लगभग सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, रीहीटिंग कर सकते हैं, डीप फ्रॉस्ट कर सकते हैं, मतलब जितना मन चाहे आपको इसके अंदर उतने टाइप की आपको कुकिंग स्टाइल में यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप ये तीनों माइक्रोवेव जैसे आप जानेंगे सोलो, ग्रिल और एक होता है कन्वेक्शन, उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं उसका फंक्शन, आप फंक्शनैलिटी के क्या किस टाइप की फंक्शनैलिटी चाहते हैं। तो मैं वो कुछ फंक्शनैलिटी आप बताऊंगा जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप सोलो, ग्रिल और कन्वेक्शन कंपेयर करेंगे तो जो सोलो के अंदर आपको रीहीट मिलेगा, ग्रिल के अंदर भी रीहीट मिल जाएगा, कन्वेक्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अगर आपको पॉपकॉर्न फीचर चाहिए तो वो आपको ग्रिल के अंदर नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सोलो में मिलेगा और कन्वेक्शन के अंदर भी आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है तो आप सोलो में नहीं बना सकते, लेकिन ग्रिल के अंदर और कन्वेक्शन के अंदर आप बना सकते हैं। और यही बात करें हम ग्रिल आइटम्स के बारे में, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल की फंक्शनलिटी आपको कन्वेक्शन में मिल जाएगी और ब्राउनीज हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे चीज़ आपको कन्वेक्शन के अंदर देखने मिल जाएंगे। इसके बाद फंक्शनलिटी के बाद आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सुना होगा 21 लीटर, 30 लीटर, तो बेसिकली ये लीटर डिसाइड करते हैं कि आपको कितना अमाउंट ऑफ ये फूड एक बार में प्रिपेयर कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसमें प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। सो यदि आप एक कैपेसिटी के बारे में बात करें, अगर आपकी फैमिली साइज अगर 2 से 3 मेंबर हैं तो आप सभी लोग के लिए परफेक्ट एक आइडियल होता है, 20 लीटर तक अगर आप माइक्रोवेव लेते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट होगा। अगर आपके में सिर्फ 2 से 3 लोग हैं तो आपके लिए 20 लीटर का माइक्रोवेव सबसे बेस्ट होगा। अगर आपके अंदर फैमिली मेंबर में 3 से 4 लोग हैं तो आप उसमें 20 से 25 लीटर तक का जो माइक्रोवेव होगा वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और इन केस अगर आपके फैमिली में 4 से 6 हैं, अगर बड़ी फैमिली है, लार्ज फैमिली है, तो आप सभी लोग के लिए 25 से 30 लीटर का जो माइक्रोवेव कैपेसिटी है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होगा। कैपेसिटी की बात करें, उसके बात करें हम लोग फीचर्स के, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कई सारे माइक्रोवेव में आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, जैसे पैस्चराइज मिल्क वाला फीचर्स भी हो गया, काफ़ी इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और उसके साथ कई में आपको ऑटो कुक मेन्यू भी आएगा, मतलब प्री डिफाइंड उसमें वैल्यू सेट होंगे। काफ़ी सारे में ऑटो कुक मेन्यू आपको प्री डिफाइंड मिलता है, मतलब आप बस उस बटन को क्लिक कर दीजिए, उस मोड को सेट कर दीजिए। जैसे तंदूरी का ऑप्शन आप सभी ने सेलेक्ट किया तो तंदूरी पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर एडजस्ट करके आपका तंदूरी के अकॉर्डिंग वो आपको बना के देगा। उसके बाद
चाइल्ड लॉक फीचर। चाइल्ड लॉक फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप चाइल्ड लॉक क्लिक कर देते हैं तो आपका जो पूरा सेटिंग्स है वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा और उसको कोई भी छेड़छाड़ करेगा वो तो वो चेंज यहाँ पे नहीं होगा। उसके अलावा काफ़ी सारे फीचर जैसे डिफ्रॉस्ट वाले फीचर हो गया, टाइमर हो गया, प्री हीट फीचर हो गया, ये सारे कुछ अच्छे खासे फीचर्स आपको इन माइक्रोवेव में देखने मिल जाएंगे। उसके बाद आता है पैनल टाइप। पैनल टाइप किस टाइप से होता है, तो पैनल टाइप में बात करूँ कई में मैकेनिकल होता है जो आप राउंड वाला देखते हैं, और कई में आपको सिर्फ टच स्क्रीन वाला मिलेगा, सिर्फ आपको टच करना है। तो ये दो टाइप के आपको पैनल इसमें देखने मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग आपको बजट पर डिपेंड करता है किस टाइप से बजट है उसमें आपको किस तरह सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें उसके सेफ्टी टिप्स के बारे में, काफ़ी सारे लोग के मन में सोचता है यार माइक्रोवेव करंट मत मारे, अगर मैं छू दूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा बहुत सारे मन में क्वेश्चन होता है, पर ऐसा कुछ बात नहीं है। सेफ्टी टिप्स के बारे में बात करें तो अगर आपको क्लीन करना है इंटीरियर तो आप जो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, आपका कोशिश करेगा स्विच ऑफ हो उसके बाद आप अच्छे तरीके से क्लीन कर पाए। उसके बाद हमेशा आप जो माइक्रोवेव के जो बर्तन है उसी को इस्तेमाल करिए, और माइक्रोवेव के लिए ग्लव्स भी आता है, ग्लव्स को यूज़ करके आप बर्तन को बाहर निकालिए क्योंकि हीट होता है और काफ़ी सारे इस तरह के फीचर्स होते हैं। और किट को कोई भी बच्चे को डायरेक्टली टच करने मत बोलिए, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा मैंने लगभग लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है जो कि आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग सोच रहे हैं एक परफेक्ट माइक्रोवेव ओवन परचेस करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये जानकारी सारी पसंद आए तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लाइक करेंगे तो ही ये वीडियो दूसरे तक पहुँचेगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछिएगा अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन से रिलेटेड, तो आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि इन सारे प्रोडक्ट्स की जो एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप एक बार रिव्यूज़ पढ़िए, पसंद आए तो ही परचेस करेंगे, वरना आपको खरीदने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी को एक से एक अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के यहाँ पे रिकमेंडेशन देते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।